दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है कूल गैजेट्स और अनोखे प्रोडक्ट्स की दुनिया गैजेट जोन में। वैसे आपने स्मार्टफोन में सॉकर गेम्स बहुत खेले होंगे, लेकिन आज आप देखेंगे ऐसी मैजिकल फुटबॉल जिनसे आप रियल सॉकर का मजा ले पाएंगे, वो भी अपने घर के अंदर ही। इसके अलावा गाइस, स्पाइडरमैन के फैंस के लिए भी है एक खास प्रोडक्ट और भी बहुत सारे मजेदार गैजेट्स एक के बाद एक आएंगे और आपको हैरान करते जाएंगे। तो गाइस, वीडियो को कर दीजिए अभी से लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशंस को ऑल पर सेट कर लीजिए और फिर बैठ जाइए रिलैक्स होकर और मजा लीजिए इस अमेजिंग सफर का। तो गाइस, आज शुरुआत करेंगे इन मोशन V10 से। गाइस, कमाल के हाईटेक स्पेड्स और यूनिसाइकल्स आपके लिए मैं अक्सर लाता रहता हूँ, बट उनमें से सबसे यूनिक है इन मोशन V10। ये एक नेक्स्ट जनरेशन सेल्फ बैलेंसिंग मोनोबाइक है जिसे चलाना जितना आसान होता है उतना ही फन भी होता है। 25 माइल्स पर आवर की टॉप स्पीड के साथ ये मोनोबाइक एक बार में लगभग 100 किलोमीटर तक लगातार चल सकती है, जो किसी भी मोनोबाइक के कंपैरिजन में काफी अच्छी रेंज है। और क्योंकि ये सेल्फ बैलेंसिंग होती है तो आपको इसे चलाने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसे चलाने के लिए आपको सिंपली इसके फुट पैनल्स को ओपन कर लेना होगा और फिर इसमें खड़े होकर आप इसे बहुत आसानी से ड्राइव कर सकते हैं। इसके व्हील में बहुत ही ऑसम लाइट्स मौजूद होती हैं जो इसके लुक्स को बहुत ही ज्यादा अमेजिंग बना देती हैं। इसके अलावा गाइस, इसमें आगे और पीछे की तरफ भी LED लाइट्स मौजूद होती हैं, आगे वाली व्हाइट और पीछे वाली रेड कलर की टेल लाइट। तो दिन हो या रात, इसे चलाने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपको इसे मोड़ने के लिए थोड़ा सा लीन करना पड़ेगा उस तरफ जिस तरफ भी आप इसे मोड़ना चाहते हैं। और ये इसलिए भी खास है क्योंकि जहां नॉर्मल मोनोबाइक सिर्फ प्लेन रोड्स पर ही चल पाती हैं, वहीं ये अल्ट्रा ड्यूरेबल मोनोबाइक प्लेन रोड्स के साथ साथ अनइवन सरफेसेस पर भी बहुत आसानी से चल सकती है। ओवरऑल गाइस, अगर आप एक यूनिक मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट की तलाश में हैं जिससे लोगों की नजरें सिर्फ और सिर्फ आप पर टिक जाएं, तो आप इन मोशन V10 को जरूर से ट्राई कर सकते हैं। नंबर 2, स्पाइडरमैन फिजेट स्पिनर। बचपन से लेकर बड़े होने तक हमारे फेवरेट सुपर हीरोज में से एक रहा है स्पाइडरमैन, जिसका रोल बहुत से अलग अलग एक्टर्स ने किया है। तो अगर आप भी एक स्पाइडी फैन हैं तो ये स्पिनर सिर्फ आपके लिए है। नॉर्मल फिजेट स्पिनर से सिर्फ हमारा स्ट्रेस कम हो पाता है, वहीं गाइज ये स्पिनर होता है स्पाइडरमैन के लोगो के शेप में और देखने में बहुत कूल लगता है। ये स्पिनर बहुत से डिफरेंट कलर्स में अवेलेबल होता है, आप अपना फेवरेट कलर चूज कर सकते हैं। स्पाइडरमैन के लोगों की ही तरह इसमें 8 लेग्स मौजूद होते हैं और इन लेग्स की बनावट इस तरह से रखी गई है कि ये सारे लेग्स बिल्कुल सेम लेंथ और एंगल पर सेट होते हैं, जिससे रोटेट करते वक्त स्पिनर बिल्कुल स्टेबल रहता है और वाइब्रेट भी नहीं करता और स्मूथली रोटेट करता रहता है काफी देर तक। इसलिए इसमें आपको स्पिनिंग टाइम भी काफी अच्छा मिल जाएगा। ओवरऑल गाइस, अगर आप एक स्पाइडरमैन या फिर सुपर हीरो फैन है तो एक एंटी स्ट्रेस प्रोडक्ट के तौर पर ये स्पिनर काफी कूल ऑप्शन हो सकता है। बोल्ड एक्शन प्लस। गाइस, एक पेन ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकता है, लिख सकता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। बट बोल्ड एक्शन प्लस नाम का ये पेन लिखने के अलावा और भी बहुत कुछ कर सकता है, इवन ये आपकी लाइफ भी सेव कर सकता है। कैसे, चलिए जान लेते हैं। तो गाइस, ये बेसिकली एक मल्टी टूल पेन होता है जिसमें आपको बहुत से अलग अलग और काम के टूल्स मिल जाएंगे। अगर इसे लेकर आप किसी ट्रिप वगैरह पर जाते हैं तो वहां पर ये पेन आपके बहुत काम आ जाएगा। गाइस, इसमें आपको एक विसल मिल जाएगी जिसे आप अलग अलग टोन्स में बजा सकते हैं, जिससे अगर आप अपने फ्रेंड से अलग हो जाते हैं जंगल वगैरह में तो उनसे दोबारा कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि फॉरेस्ट या आउटर एरियाज में फोन के सिग्नल नहीं मिल पाते हैं। इसके अलावा गाइस, इस पेन से आप मजबूत से मजबूत ग्लास या और कोई चीज भी ब्रेक कर सकते हैं या इसे सिंपली एक वेपन की तरह यूज कर सकते हैं अगर कोई वाइल्ड एनिमल आप पर अटैक कर दे तो। यानी ये बेसिकली एक पेन होने के साथ साथ एक सर्वाइवल टूल का काम भी कर देता है और जो लोग अक्सर ट्रैवल करते रहते हैं उनके लिए ये काफी इंपॉर्टेंट गैजेट हो जाता है उनकी सेफ्टी को देखते हुए। ऑरिलक्स ऑडियो लैंप। दोस्तों, अगर आप 1000 रुपीस के अंदर एक पावरफुल और हाई क्वालिटी ब्लूटूथ स्पीकर लेना चाहते हैं तो ये स्पीकर जरूर से देख लीजिए, क्योंकि एक स्पीकर के साथ साथ इसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स भी मिल जाएंगे। तो गाइज, ये स्पीकर एक लैंप की तरह भी वर्क करता है। इसमें आपको स्पीकर वाले पार्ट के चारों ओर उसके बॉर्डर पर लाइट मिल जाएगी और वो भी एक नहीं बल्कि मल्टीपल कलर्स में, जिन्हें आप स्पीकर वाले पार्ट में सिर्फ एक टच से ही चेंज कर सकते हैं और इसकी ब्राइटनेस को भी एडजस्ट कर सकते हैं। ब्लूटूथ के अलावा गाइस, इसमें आपको केबल कनेक्टिविटी का ऑप्शन भी मिल जाता है, यानी आप इसे सिर्फ ब्लूटूथ ही नहीं बल्कि केबल प्लग इन करके भी अपने स्मार्टफोन या फिर दूसरे डिवाइसेस के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो जहां नॉर्मल स्पीकर्स में आपको सिर्फ स्पीकर का फीचर मिलेगा, वहीं इसमें आपको स्पीकर के साथ साथ एक लैंप का फीचर भी देखने को मिल जाएगा। कॉस्मोस मैक्स।
गाइस अगर मूवीज और वीडियोस की बात करें तो इन्हें हम हमेशा अपने स्मार्टफोन लैपटॉप और टीवी में ही देखते हैं और न्यू मूवी रिलीज होते ही उसे थिएटर में देखने पहुंच जाते हैं। हालांकि कभी कभी मूवीज मिस भी हो जाती हैं और थिएटर का एक्सपीरियंस तो बिल्कुल ही अलग होता है। तो ये सर्कुलर डिस्क जैसा दिखने वाला गैजेट और कुछ नहीं एक पोर्टेबल प्रोजेक्टर होता है और वो भी स्मार्ट प्रोजेक्टर, या आप इसे एक पोर्टेबल थिएटर भी कह सकते हैं, जिसमें ऊपर की तरफ होता है प्रोजेक्टर और साथ ही साथ मौजूद होता है एक बहुत ही पावरफुल 3D स्पीकर जिसमें 9000 के आसपास होल्स मौजूद होते हैं जो आपको ऑडियो क्वालिटी बिल्कुल ही नेक्स्ट लेवल की दे देते हैं। और इसके अलावा गाइस इसका एक एडवांटेज ये भी है कि आपको अलग से स्पीकर्स परचेज नहीं करने पड़ेंगे और ना ही कैरी करने पड़ेंगे और साउंड भी ऐसा वैसा नहीं है बल्कि इसमें आपको 3D साउंड मिल जाएगा। अब आ जाते हैं इसकी प्रोजेक्टेड स्क्रीन की क्वालिटी पर, तो वो थिएटर से भी ज्यादा शार्प होती है और कलर्स भी इसमें काफी क्रिस्पी होते हैं। इसे आप एंड्रॉइड और iOS डिवाइसेस के साथ पेयर कर सकते हैं। साथ ही यूट्यूब और नेटफ्लिक्स जैसी प्रीमियम स्ट्रीमिंग सर्विसेज का मजा भी आप इससे डायरेक्ट ले सकते हैं, जहां एक बार मूवी को थिएटर में देखने के बाद उसे दोबारा या तो स्मार्टफोन में या फिर टीवी में देखना पड़ता है जिनका की स्क्रीन साइज काफी लिमिटेड होता है। वहीं गाइस इस प्रोजेक्टर से आप थिएटर को अपनी पॉकेट में रख सकते हैं और यकीन मानिए सिर्फ आपको ये प्रोजेक्टर ही चाहिए होगा। इसके अलावा कोई भी एक्सटर्नल डिवाइस आपको नहीं लेना पड़ेगा जैसे कि स्पीकर या फिर कोई केबल वगैरह, और इसका यही फीचर मुझे भी सबसे ज्यादा पसंद आया। इवन गाइस इसे आप अपने स्मार्टफोन से कनेक्ट करके फिर पबजी और फ्री फायर जैसे गेम्स का मजा भी बड़ी स्क्रीन पर ले सकते हैं जो आपको बिल्कुल ही आउट ऑफ द वर्ल्ड एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर देगा। तो ओवरऑल गाइस गेम्स हो या फिर मूवीज, इस प्रोजेक्टर से आप उन्हें एक बड़ी स्क्रीन पर जब और जहां चाहें एंजॉय कर सकते हैं। सेंसरी LED बबल ट्यूब, तो अगर आप अपने घर की खूबसूरती में 4 चांद लगाना चाहते हैं और चाहते हैं एक अटेंशन ग्रैबिंग शोपीस, तो आप ये बबल ट्यूब ट्राई कर सकते हैं। इसकी लेंथ 6 फीट होती है और ये बना होता है ग्लास से और इसके अंदर 8 डिफरेंट कलर्स की LED लाइट आपको देखने को मिल जाएंगी। और साथ ही गाइस इस ट्यूब को कस्टमाइज करने के लिए आपको इसके साथ इसका एक रिमोट भी मिल जाएगा जिससे आप इसकी लाइट्स के कलर्स को स्विच कर सकते हैं। गाइस इसमें बबल्स लगातार उठते रहते हैं जिससे ये देखने में बहुत ही ज्यादा अमेजिंग लगता है, और साथ ही इसे और भी ब्यूटीफुल और नेचुरल टच देने के लिए इसमें डाली जाती हैं कुछ आर्टिफिशियल फिशेस जिससे इसमें एक एक्वेरियम जैसा फील भी आ जाता है। इसे आप अपने रूम या फिर वर्क प्लेस या फिर ऑफिस वगैरह में भी रख सकते हैं और जो भी इसे एक बार देख लेगा यकीन मानिए इसे देखता ही रह जाएगा। वैसे भी हम ट्रेडिशनल शो पीसेस तो हमेशा इस्तेमाल करते ही हैं, तो ऐसे में अगर आप कुछ डिफरेंट प्रोडक्ट ट्राई करना चाहते हैं तो ये बबल ट्यूब आपके लिए काफी सुटेबल ऑप्शन हो जाता है। गाइस अब देख लेते हैं स्पैरो मिनी सॉकर, तो फुटबॉल का शौक रखने वालों ये प्रोडक्ट स्पेशली आपके लिए है। इंडोर गेम्स में हम ज्यादातर लूडो और कैरम जैसे गेम्स खेलते हैं, बट अगर आपको उससे कहीं बेहतर और एक नया गेम खेलना है तो आप ये सॉकर सेट ट्राई कर सकते हैं। ये फुटबॉल एक रोबोटिक बॉल होती है जिसे आप अपने स्मार्टफोन में इसके ऑफिशियल ऐप को इंस्टॉल करके कंट्रोल और नेविगेट कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपना एक छोटा सा प्लेग्राउंड बनाना होगा, उसके बाद इन सारी बॉल्स को फील्ड पर रख कर आप अपने स्मार्टफोन से सॉकर का मजा ले पाएंगे। ये गेम भी फुटबॉल के नॉर्मल गेम जैसा ही होता है, प्लेयर भी इसमें आप ही होंगे, बस फर्क ये होता है कि आप फुटबॉल को पैरों से नहीं बल्कि अपने स्मार्टफोन से पास करेंगे। इस बॉल में आपको अलग अलग ड्राइव्स लगाने का ऑप्शन भी मिल जाएगा जो इस गेम को और भी मजेदार और रियलिस्टिक बना देता है। यहाँ पर आपको अपनी स्किल्स पैरों से नहीं बल्कि अपने हाथों से अपने स्मार्टफोन पर दिखानी होगी और जो स्मार्टफोन पर जितना अच्छा खेल पाएगा आखिर में वही गोल कर पाएगा। ओवरऑल गाइस आजकल लॉकडाउन में वैसे भी हम इंडोर गेम्स पर ही डिपेंड कर रहे हैं, तो ऐसे में अगर आप लूडो और कैरम से 2 कदम आगे बढ़ना चाहते हैं तो ये मिनी सॉकर गेम जरूर से ट्राई कर सकते हैं। और दोस्तों अब मिल लेते हैं फायरफ्लाई से। फायरफ्लाई यानी कि जुगनू, जिसे बचपन में हम सभी पकड़ने की कोशिश करते थे उसकी लाइट को देखकर, तो ये गैजेट भी फायरफ्लाई से इंस्पायर्ड होकर बनाया गया एक सोलर लैंप है। और क्योंकि ये सोलर है तो ये चार्ज हो जाता है सोलर एनर्जी से यानी कि धूप से। लेकिन फिर भी अगर धूप ना निकली हो या फिर अगर आप चाहें तो इसे USB अडैप्टर से भी चार्ज कर सकते हैं। ये लैंप छोटे छोटे और बहुत ही क्यूट से होते हैं और बहुत ही लाइट वेट होने के चलते पोर्टेबल भी होते हैं। इनमें ऊपर की तरफ इन्हें कैरी करने के लिए एक हैंडल मौजूद होता है। इनसे इमर्ज होने वाली लाइट की इंटेंसिटी को आप ल्यूमेंस और टाइम के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं और इसकी मैक्सिमम ब्राइटनेस 100 ल्यूमेंस की होती है जो 2 आवर्स तक लगातार चल सकती है इसके फुली चार्ज होने पर। आप इसे एक लाइट सोर्स के साथ साथ एक क्यूट से शोपीस की तरह भी यूज कर सकते हैं और इसके गिरकर टूटने की तो कोई टेंशन ही नहीं है क्योंकि गाइस इसका आउटर बल्ब वाला पोर्शन बना होता है सिलिकॉन से जो कि फ्लेक्सिबल होता है। तो ये लैंप अगर आपके हाथ से छूट कर गिर भी जाए तो ये टूटेगा नहीं बल्कि बाउंस करेगा। और तो और गाइस आप इसके बल्ब वाले सिलिकॉन से बने पार्ट को फोल्ड करके भी इसे रख सकते हैं। तो घर में एज अ लाइट सोर्स यूज करने के लिए ये फायरफ्लाई नाम का गैजेट काफी अच्छा ऑप्शन हो जाता है। तो गाइस वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक
करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन को ऑल पर डाल दीजिए ताकि आगे आने वाले गैजेट सबसे पहले मिले आपको। तो गाइस घर में रहिए और सेफ रहिए, और मैं आपके लिए ऐसे ही नए नए गैजेट्स लाकर आपको एंटरटेन करता रहूंगा। तो मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में कुछ नए गैजेट्स।